Dear students, so we have completed some preposition. In today's class we start a new preposition and it's on. So आज हम on preposition समझेंगे कि इसको कैसे use करते हैं, इसका क्या मतलब होता है. तो on जो है उसका प्रयोग may और को, day और date के साथ में होता है. कुछ ही एग्जाम्पल्स है, जैसे मैं रविवार को गया, आई वेंट ऑन संडे. वो 20 दिसंबर 2012 को आया था, ही हैड कम ऑन 20th December. हम सब सोमवार को आएंगे, वी ऑल विल कम ऑन मंडे. तो यहाँ पे डे और डेट के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है अपॉन ऑन टू. अपॉन का मतलब होता है के ऊपर या पर, लेकिन इनका जो यूज़ है, ऑन जो है उसका यूज़ भी हम ऊपर के लिए कर रहे थे, लेकिन डे और डेट के साथ. यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का गतिशील अवस्था में दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, मीन्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे हम अपॉन या ऑन टू का यूज़ करेंगे. जैसे कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया. तो टेबल रखी हुई है, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है और जो झाड़ू है वो भी एक ऑब्जेक्ट है. तो झाड़ू जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और वो अपने आप ही टेबल पर चली गई. तो क्या हो जाएगा, द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ. तो झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गई. वो हाथी के ऊपर कूदेगा, ही विल जम्प ऑन टू द एलिफेंट. मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द होर्स. तो यहाँ पे हम अपॉन और ऑन टू का यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ अपने आप किसी दूसरी के ऊपर जा रही है तो. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है टू. को या किसी जगह को, उन दोनों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का. और टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे. मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल. यशी हमारे घर आ रही है, यशी इज़ कमिंग टू आवर होम. वो हॉस्पिटल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल. तो मीन्स कि जहाँ भी किसी जगह के साथ कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे पास आती है मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ. अगर हम किसी चीज़ की, किसी जगह की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम टूवर्ड का यूज़ करेंगे. यसी हमारे घर की तरफ की ओर, तो वहाँ पे हम टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल. तो की तरफ या की ओर जहाँ होगा वहाँ पे हम टूवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ. तीनों का मतलब ही नीचे होता है, लेकिन इनका यूज़ करने का जो सेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से. अब जो अंडर है, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, तो राम इज़ हिडन अंडर द बेड. मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, मॉम इज़ सिटिंग अंडर द ट्री. तो अंडर का मतलब भी नीचे है और अंडरनीथ और बीनीथ का मतलब भी नीचे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ के नीचे हैं. जैसे कि वो पुल के नीचे था, ही वॉज अंडर द ब्रिज, ठीक है. लेकिन बीनीथ और अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है, मीन्स ये अंडर से कैसे डिफरेंट है. तो इसका मतलब भी होता तो नीचे ही है, लेकिन बीनीथ और अंडरनीथ में वो नीचे वाली चीज़ें आएंगी जो किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को बिल्कुल टच करती हैं. जैसे किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा. आपका घर मेरे घर के नीचे है, योर हाउस इज़ बीनीथ माई हाउस. तो मीन्स कि घर की जो छत है वो उसके फ्लोर से बिल्कुल टच कर रही है. तो मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टच करेंगी, वहाँ पे हम बीनीथ या अंडरनीथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. पत्र मेरे किताब के नीचे है, लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक. मोबाइल तकिए के नीचे है, तो यहाँ पे मोबाइल और तकिए दोनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है, टच है एक दूसरे को बिल्कुल. तो इसीलिए हमने यहाँ पे बीनीथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया.
आपका घर मेरे घर के नीचे है। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रीपोजिशन एक्सेप्ट्स एंड बिसाइड्स। दोनों का ही मतलब के अलावा होता है, लेकिन इन दोनों का यूज़ करने का सेंस अलग अलग है। जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे तो उनसे हमें क्लियर होगा कि दोनों किस प्रकार से यूज़ होंगे, कहाँ पे हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। रीड इट केयरफुली एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।